कोलकाता के आरजी केआर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस मामले में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार जहां लगातार सवालों का सामना कर रही है, तो वहीं मामले की जांच पुलिस के बजाय सीबीआई से करवाए जाने की मांग ने भी जोर पकड़ रखा है। इन सब के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी मेडिकल कॉलेज के ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्याकांड की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सभी दस्तावेज तत्काल सीबीआई को सौंपने को कहा है। इस दौरान हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बनाने पर पश्चिम बंगाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस को महिला डॉक्टर की हत्या मामले से संबंधित सभी दस्तावेज बुधवार यानी कि 14 अगस्त की सुबह 10 बजे तक सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने धरने पर बैठे डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वह उनका पवित्र दायित्व है। कल पीड़ित डॉक्टर के घर जाने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था, अगर कोलकाता पुलिस रविवार तक मामले को सुलझाने में विफल रहती है तो इसे सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। कोलकाता रेप मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से कहा कि वह अपने आप छुट्टी पर चले जाएं, वरना कोर्ट आदेश पारित करेगी। इस दौरान हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सवाल पूछा है कि जब एक छात्रा की मौत हुई थी तो फिर उस मामले में प्रिंसिपल की तरफ से कोई शिकायत क्यों नहीं दी गई, ये संदेह को पैदा करता है। इस बीच न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में एडवोकेट बिलवदल भट्टाचार्य ने कहा कि हॉस्पिटल अथॉरिटी We have asked for the report. They will submit to us. पुलिस से कोई रिपोर्ट मांगे हैं मैडम? मैडम पुलिस 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 से कोई रिपोर्ट मांगे हैं? पुलिस से पुलिस ने तो कल ही हमारे कमीशन में रिपोर्ट भेजा है जो उन्होंने आज तक किया है, तो कल उन्होंने भेजा है और हम भी आज फिर से देखेंगे उसको और उसे पुलिस के काम के साथ साथ ही हम लोग आगे बढ़ाए। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो सामने बातें आई हैं उसे सभी की रूह कपा दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट आंख और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखून पर भी चोट के निशान थे। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ और होठों पर भी चोट के निशान थे। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई थी। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि यौन उत्पीड़न के बाद उसकी हत्या की गई थी और पुलिस ने आत्महत्या की आशंका से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि उसके दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था और चेहरे पर चोटें थी। पीड़िता के निजी अंगों से भी खून बह रहा था। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ, उंगली और होठों पर भी चोट के निशान है। इस बीच एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य से संकेत मिलता है कि गिरफ्तार आरोपी ने महिला चिकित्सक की पहले हत्या की और फिर उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने अपराध के दौरान आरोपी द्वारा पहने गए कपड़े और जूते भी बरामद किए हैं। ये पूछने पर कि क्या गिरफ्तार आरोपी के साथ अपराध में कोई और भी शामिल था, इस पर अधिकारी ने कहा कि अभी तक इसका कोई सबूत नहीं है। अधिकारी ने कहा कि अपराध को अंजाम देने के बाद आरोपी घर गया था और उसने अपने कपड़े धोए थे। उसके घर की तलाशी के दौरान उसके जूते भी मिले हैं जिन पर खून के धब्बे थे। महिला चिकित्सक का शव शुक्रवार को उत्तर कोलकाता में आरजी केयर सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल के अंदर पाया गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दोषी के लिए मौत की सजा की मांग करने का संकल्प लिया है।